जड़े नेता कहती दीर्घ आठ दिन है मानसिक द्वंद्व अच्छा भारतीय जनता पार्टी कर्मकर्ता मैंने आउ जड़े नेता कर्मी मैंने तागिद करुंज मेट न होगा दरकार आउ जड़े नेता जी राष्ट्रीय नेता से कहते मेट बाबद प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रीय सभापति जेपी नड्डा निष्पत्ति ने तो सब तीन जन नेता मंतव्य को जी आप देखिए समस्त देश बंधु केवल भारतीय जनता पार्टी कर्मी नुहे विजु जनता दल कर्मकर्ता एवं ओडिशार 4.5 कोटी ओडिया को द्वंद भीतर रखी मेंट हब ना ना 8 दिन धरी बीजेपी रो कार्यकर्ता माने मानसिक द्वंद्व अच्छा ताकू कौन से दृष्टि मुझे विषय को खंडन करती जहाँ राष्ट्रीय सभापति कहे आप छपा बाहर करूँ आम पार्लियामेंट पार्टी जहाँ निष्पत्ति करापाई चूड़ा निष्पत्ति मानत आम आम जो यहाँ आम राष्ट्रीय दल आम कि कही ना आपको स्पेकुलेसन कर बाहर करवृत्त होगा कहीं जो विषय 8 दिन भितर कौन सी संख्या आम राष्ट्रीय सभापति कही ना आमर अमुक हम अमुक हम अमुक हम जिते मीडिया परेषण होमें अमुक हूँ कौ आम राष्ट्रीय सभापति अन्य किसी कहना ताको मुझे खंडन करें संवाद परेषण करवा ना निवेदन करग्रह करोध भी करें समस्ते कोऑपरेट करवा गोटे सेनसीटिव समय आम कार्यकर्ता 8 दिन है मानसिक द्वंद्वर अच्छा से आम कर एक दुई है जहाँ चूड़ा निष्पत्ति हम ताको आम दल सब सब समय आम मानवाक राजी अच्छे आम जो श्रृंखलित कार्यकर्ता आम दल गोटे कैडर बेस मास पार्टी कार्यकर्ता भित्तिक दल एथेर कौनसी टिके ये ना जहाँ मुझे आम श्रृंखलित दल भाव में आम जहाँ निष्पत्ति हम से निष्पत्ति मानबू मुलूर कही जहाँ जहाँ आम निष्पत्ति करुचु आम आम स्ट्रेटेजी रणनीति आम मतामत आम कथा आम निष्पत्ति ये कथा आम कौ आप समय आप खूब शीघ्र आमर सब प्रकार चूड़ांत निष्पत्ति पहुंचे मो राष्ट्रीय सभापति पार्लियामेंट पार्टी विषय आगे रखिए। लेकिन चर्चा खूब चल रही है कि उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी और बीजेडी का अलायंस ऑलमोस्ट हो चुका है और किसी भी दिन घोषित हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा कि आप कंफर्म कीजिए कि होगा, क्योंकि वो तो आप करेंगे नहीं, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो फिलोसॉफिकली इसको आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं, नंबर वन, और उसके प्रिंसिपल चैलेंजर के बीच में अलायंस की बातचीत भी कैसे हो सकती है? देखिए, मैं इस पर इसलिए ज्यादा प्रकाश नहीं डाल सकता क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी तय नहीं किया है कि उड़ीसा में हम कैसे आगे बढ़ेंगे। परंतु मैं इतना कह सकता हूं, जैसे भी आगे बढ़ेंगे भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी बढ़ोतरी लोकसभा और विधानसभा में करेगी और हमारी स्थिति में बहुत बड़ा सुधार होगा। भारतीय जनता पार्टी राज्य सभापति मनमोहन सामल जो प्याज पकेबा पाई प्रतिति समय रे प्रयास जे मेंट हब ना आपण माने मानसिक द्वंद्वर बाहर को आसंतु पार्टी दल पाई काम करंतु अन्य दल को खसिबा पाई प्रयास करंतु नहीं ये जो प्याच पकेबा पाई मनमोहन सामल प्रयास करुचन देश बंधु ये प्याच पड़िबो नहीं कारण मेंट निष्पत्ति देश बंधु आज नुहे दीर्घ मास हला पड़ी सारी सारी देश बंधु ओडिशा रे भारतीय जनता पार्टी रो मेंटर आवश्यकता अच्छी जदि मेंटर न हुए देश रे प्रधानमंत्री
जो अब की बार 400 पार देशबंधु ए नारा सफल हबो नाही ए कथा प्रधानमंत्री जानिचंती एवं भारतीय जनता पार्टी चाणक्य अमित शाह मध्य जानिचंती जे न तेन प्रकार देशबंधु नवीन बाबू को एनडीए मेंटरे नबा को पड़िबो निश्चित भाव देशबंधु आमे स्पष्ट भाव कहूँ मेंटो पाई नवीन बाबू को आवश्यकता किछि नाही नवीन बाबू मेंट नहले भी देशबंधु षष्ठ थर पाई मुख्यमंत्री हेबे ओडिशा रे बिजु जनता दल सहे पार करिबो एक कथा स्पष्ट 15 अधिक लोकसभा आसन रे बिजु जनता दल विजय हासिल करिबो देशबंधु मु नुए सर्वे रिपोर्ट कहुछि एक किछि दिन पूर्वरु राज्यसभा सांसद डॉक्टर सस्मित पात्र मध्य सांबादिक सम्मेलनी करिकि कहिछन्ति 270 रु 18 आसन देशबंधु विधानसभा रे मिलिबो 170 रु 18 आसन विधानसभा रे मिलिबो एवं 15 रु अधिक आसन लोकसभा रे मिलिबो अर्थात देशबंधु बिजु जनता दल भितरे कॉन्फिडेंस अछि जे आमे षष्ठ थर पई सरकार गढ़िबा पई जाउछु बिजु जनता दल नवीन पटनायक प्रति जनमत कायम रहिछि एवं ओडिशा रे बिजु जनता दल विरुद्ध रे कोनोसी जनमत नाही ए कथा मध्य स्पष्ट हि सारिछ किंतु देशबंधु मेंटो हेले कर्मी मानकर तकलीफ कोन कर्मी माने ते चिंतित काहे की नेता माने ते चिंताग्रस्त रे काहे की छन ए कथा स्पष्ट देशबंधु यदि भारतीय जनता पार्टी बिजु जनता दल भितर मेंट हुए भारतीय जनता पार्टी जेती की नेता राजनीति रु संन्यास नेबे बिजु जनता दल मध्य सेती की पाखा पाखी नेता राजनीति रु संन्यास नहीं जीवे कारण देशबंधु तृणमूल स्तर रे भारतीय जनता पार्टी विरुद्ध रे लड़े करिकी 2009 मसीह रु 2024 पर्यंत बिजु जनता दल ता संगठन को जति की मजबूत करिछि ए संगठन को आगु को नबा पाए हेले मजबूत करके रखिया पाए हेले भारतीय जनता पार्टी सहित से विरोध रा आवश्यकता अछि यदि तृणमूल स्तर रे मित्रता हुए देशे बंधु बिजु जनता दल रे संगठन कायम रहिबो नाही अर्थात संगठन सुदृढ़ रहिबो नाही जो भय बिजु जनता दल कर्मकर्ता तृणमूल स्तर में घारी अन्य पटे भारतीय जनता पार्टी कर्मकर्ता माने जितु मेंट भागबंटा रे भारतीय जनता पार्टी को बहुत खूब कम आसन मिलिबो कहा जाउची 40 किंबा 42 टी आसन विधानसभा रे मिली पारे आहुरी 100 रु अधिक नेता यदि आशायी संख्या देखा 500 रु अधिक नेता बिजु जनता दल कहा 10,000 आशायी अच्छा थोड़े चिंता करूँ तो 10,000 आशायी यदि निराश हे भारतीय जनता पार्टी सहित तो समझौता करा जाऊँगी ये वार्ता तृणमूल स्तर में जाऊँगी यार प्रभाव भयंकर हवा पाई जाऊँगी आज तो कर्मकर्ता माने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को स्पष्ट भाव कहते मेंट न होवा दरकार तर उत्तर मध्य धर्मेंद्र बाबू स्पष्ट भाव दी पार ना कथा बुले की चली जाऊ अटहास्य कर चली जाऊ अटहास्य आसंता दिन जो मेंट हम ये एक भयंकर परिस्थिति सृष्टि कर दिल्ली नेता राज्यर सर्वोच्च नेता तृणमूल स्तर कर्मकर्ता नेता भरोसा पाइबना यदि मेंट हम आज आप स्पष्ट कर दोगला चरित्र कहीं ट्वीट करुछंते एकाकी लड़िबे तार दि घंटा पर ट्वीट को डिलीट कर दूचंते आपण गणमाध्यम को स्पष्टीकरण दूचंते आपण कहउचंते आपण आपण को मत को खंडन करुछंते कथा बुले बुले की कहउचंते जहां राष्ट्रीय नेतृत्व निष्पत्ति नेबे ताहा को गणमाध्यम देखो
आप मो कथार किछ अर्थ नै जदि राज्य सभापति कहिबे मो कथारे किछ अर्थ नै मो कथा को आपण गुरुत्व दियंतु नै जेपर्यंत आपण राष्ट्रीय सभापति राष्ट्रीय नेतांक मत न सुनिचंती तल देशबंधु कोन कहा जीव से पण सित पण देशबंधु आज स्पष्ट भाव जो द्वंद्व भितरे अछंती तमाम कर्मकर्ता ओडिसा वासी ए द्वंद्व स्पष्ट हवा दरकार मिंट तो निश्चिंत हम समझौता तो सरी दिल्ली रे किंतु कर्मी मानू मिछ कह कर्मकर्ता मिछ कह विधायक आशायी विधायकों मिछ कह परिणाम केते जे भयंकर हम ता निर्वाचन समय जना पड़ यहाद्वारा देशबंधु विजु जनता दल विशेष भाव क्षतिग्रस्त हम ना कारण विजु जनता दल हाईकमांड सुप्रीमो प्रति विजु जनता दल कर्मकर्ता से भरोसा विश्वास रही किंतु से विश्वास राज्य सभापति मनमोहन सामल को उपरे ना से विश्वास केन्द्र मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को उपरे ना से विश्वास अमित शाह उपरे ना जोपाई मनमोहन बाबू कहू कहू कहीदे आठ दिन है मानसिक द्वंद भितर भारतीय जनता पार्टी कर्मकर्ता मैंने अच्छा थोड़े चिंता कर शिवबंधु पंचायत निर्वाचन रे इमानकर परिस्थिति कौन होता एवं जितेबले विधानसभा लोकसभा निर्वाचन लड़े देशबंधु इमान परिस्थिति कौन हम जिते मेट हेले भी देशबंधु भारतीय जनता पार्टी लोकों जालरू भोटरों जालरू बाहर की बाहर को बाहर अति कष्टकर देशबंधु मेट हम आठ दिन धरी बीजेपी रो कार्यकर्ता माने मानसिक द्वंद्वे अच्छा कौन से दृष्टि मुझे विषय को खंडन करती जहाँ राष्ट्रीय सभापति कहे आप छपात बाहर करूँ आम पार्लियामेंट पार्टी जहाँ निष्पत्ति करापाई चूड़ा निष्पत्ति मानतु आम आम जो यहाँ आम राष्ट्रीय दल आम कि कहीना आपको स्पेकुलेसन कर बाहर करवृत्त होगा कहीं जो विषय आठ दिन भितर कौन सी संख्या आम राष्ट्रीय सभापति कहना आमर अमुक हम अमुक हम अमुक हम जिते मीडिया परेशन होमें अमुक हूँ आम राष्ट्रीय सभापति अन्य किसी कहना मुझे खंडन करें संवाद परेशन करवा ना मुदन करग्रह करोध भी करें समस्ते कोऑपरेट करवा गोटे सेनसीटिव समय आम कार्यकर्ता आठ दिन है मानसिक द्वंद्वर अच्छा से आम कर एक दुई है जहाँ चूड़ा निष्पत्ति हम ताको आम दल सब समय सब समय आम मानवा राजी होमें जो श्रृंखलित कार्यकर्ता आम दल गोटे कैडर बेस मास पार्टी कार्यकर्ता भित्तिक दल एथेर कौन सी टी ई ना जहाँ मुझे आम श्रृंखलित दल भाव आम जहाँ निष्पत्ति हम से निष्पत्ति आम मानवु मुँह मूल रही आ जहाँ जहाँ आम निष्पत्ति करूँ आम आम स्ट्रेटेजी रणनीति आम मतामत आम कथा आम निष्पत्ति ये कथा आम कौ आप समय आप खूब शीघ्र आमर सब प्रकार चूड़ा निष्पत्ति पहुंचे मो राष्ट्रीय सभापति पार्लियामेंट पार्टी विषय आगे रखिए। लेकिन चर्चा खूब चल रही है कि उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी और बीजेडी का अलायंस ऑलमोस्ट हो चुका है और किसी भी दिन घोषित हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा कि आप कंफर्म कीजिए कि होगा, क्योंकि वो तो आप करेंगे नहीं, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो फिलोसॉफिकली इसको आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं, नंबर वन, और उसके प्रिंसिपल चैलेंजर के बीच में अलायंस की बातचीत भी कैसे हो सकती है? देखिए, मैं इस पर इसलिए ज्यादा प्रकाश नहीं डाल सकता क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी तय नहीं किया है कि उड़ीसा में हम कैसे आगे बढ़ेंगे। परंतु मैं इतना कह सकता हूं, जैसे भी आगे बढ़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी बढ़ोतरी लोकसभा और विधानसभा में करेगी और हमारी स्थिति में बहुत बड़ा सुधार होगा। डिसाइड करिए।